हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 38 साइज हेवी चेस्ट बैक कट ब्लाउज सिलाई करके दिखाऊंगी। देखिए हमें बैक साइड में किस तरीके से सिलाई करना है। हमें बैक साइड में इस तरीके से नेक डिजाइन रखकर हमें सिलाई करना है। अगर फ्रेंड आप अभी तक मेरा चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले देखिए हमें इस पार्ट को अलग कर लेना है। हम यहाँ से सबसे पहले बैक पार्ट को सिलाई करना है। देखिए हम यहाँ फैब्रिक और अस्तर को एक साथ मिला कर लेना है, तो हमें इसमें अलग से नेक पट्टी सिलाई नहीं करना है। हम अस्तर और फैब्रिक को एक साथ सिलाई कर लेना है। तो उसके बाद देखिए क्या करना है। अभी हम इसको काट कर लेना है। उसके बाद अभी हम नेक को छोटा छोटा काट लगाना है। तो उसके बाद हम देखिए इसको सीधा साइड की तरफ पलट कर लेकर आना है। पलटने से पहले हमें देखिए अस्तर के साइड से हमें एक सिलाई लगाना है। इस तरीके से देखिए तब हम देखिए कमर से एक सीधा सिलाई कर लेना है। बाद हमें बैक साइड से टैग लगाना है। यहाँ से आपको टैग हाफ इंच लगा सिलाई करना है, लेकिन आपको कितना इंच तक उठाना है आप आपके हिसाब से उठा लीजिए। 3 इंच नहीं तो 3.5 इंच। देखिए दोनों साइड में इस तरीके से टैग लगाना है। देखिए इस तरीके से हमें टैग दिया है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट सिलाई करना है। देखिए हमें पहले इसको इस तरीके से मिलाकर लेना है। लेने के बाद देखिए इसको भी हम इस तरह से मिलाकर लेना है इस तरीके से। फिर उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है इस तरह से। तब हम यहाँ से सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम दूसरा साइड सिलाई करना है। दूसरा साइड भी हम उसी तरह से मिलाकर लेना है पहले इस तरीके से।
तो उसके बाद देखिए हमें कतरी में टैक्स लगाना है। देखिए पहले हमें इसको इस तरह से बराबर मिला कर रखना है और यहाँ से हमें 1 इंच लेकर टैक सिलाई करना है। अगर आपका चेस्ट हैवी है तो आप यहाँ से 1.5 इंच लेकर टैक सिलाई कर सकती हो। उसके बाद हमें यहाँ से इस पार्ट को सिलाई करना है। देखिए यहाँ से इस तरीके से हमें बराबर मिला कर लेना है। देखिए इस तरीके से सिलाई किया है। उसके बाद दूसरा साइड भी ठीक उसी तरह सिलाई करना है। पहले इसको बराबर मिला कर लेना है। देखिए यहाँ से इस तरीके से, तो आपको इसको भी हल्के हाथ से सिलाई करना है। ये सिलाई करने के समय आपको खींचना नहीं है फैब्रिक को, धीरे धीरे हल्के हाथ से सिलाई करना है। तब हम यहाँ से युग पट्टी सिलाई करना है। देखिए पहले हमें युग पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फुल करना है। आप ऐसे 1.25 इंच जैसा फुल करना है। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे सिलाई करना है, यहाँ से इस तरह से। तो इसके ऊपर हम दूसरा साइड सिलाई करना है, इस तरीके से फुल करना है। देखिए तो उसके बाद देखिए हमें हुक पट्टी सिलाई करना है। देखिए ये कौन सा साइड का हुक पट्टी है, ये लेफ्ट साइड का हुक पट्टी है। हम इसको उल्टा साइड की तरफ ले रहे हो। सिलाई करने के बाद हम इसको सीधा साइड की तरफ पलट कर लेकर आना है। उसके बाद देखिए हमें हुक पट्टी के ऊपर से एक सिलाई करना है। तो देखिए अभी इसको फुल करके सिलाई करना है इस तरीके से। देखिए 2 फोल्ड करके सिलाई करना है, फिर यहाँ से सिलाई लगाना है इस तरीके से। उसके बाद देखिए और एक बार सिलाई लगाना है। ये सिलाई हम हुक के घर के लिए ये सिलाई देना पड़ता है, उसका लगभग ही सिलाई रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा साइड के हुक पट्टी को हम इस तरीके से पहले फुल करके सिलाई करना है। ये राइट साइड के हुक पट्टी है।
तभी हमें इसको राइट साइड की तरफ सिलाई कर लेना है। इसको भी देखिए, यहाँ से हमें छोटा सा प्लेट डालना है, क्योंकि अब जब हाथ से तोड़पाई करेंगे उस टाइम में कपड़ा खिंचाव ना हो, इसलिए यहाँ से छोटा सा प्लेट डाल दिया। उसको भी देखिए, उसी तरह नेक पोटी की तरफ से हमें एक सिलाई लगाना है, पहले जैसे ही सिलाई करना है। इसको भी देखिए इस तरीके से, देखिए उसके बाद हमें उसको अंदर की तरफ फुल करके लेकर जाना है। वो पहले से फुल किया हुआ है, सिर्फ हमें अंदर की तरफ लेकर उसको सिलाई कर लेना है इस तरीके से। देखिए ये कतरी का शेप, इस तरीके से कतरी का शेप आया है। देखिए इस तरीके से सिलाई करना है, एकदम बराबर आया है। उसके बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद हम नेक पट्टी सिलाई करना है। तो फिर से हमें नेक पट्टी सिलाई करने के बाद यहाँ से फिर से मिलाकर देखना है इस तरीके से। देखिए एकदम बराबर आया है। उसके बाद हम नेक को छोटा छोटा काट लगाना है। नेक पट्टी को हमें काट लगाने के बाद देखिए, हमें नेक पट्टी के साइड से एक सिलाई कर लेना है, पहले जैसे ही करना है उसको भी। उसके बाद देखिए दोनों पार्ट को हम जॉइन कर लेना है, देखिए इस तरीके से। तो देखिए अभी कमर पट्टी को हम सिलाई कर लेना है। देखिए पहले से हमें इसको किनारे से फुल करके सिलाई किया हुआ है, तावे से इसको जॉइन करके सिलाई कर लेना है। इस तरीके से सिलाई करना है। देखिए यहाँ से भी हमें छेंतर से हमें एक छोटा सा प्लेट डालना है। यहाँ से भी जब आपको हाथ से तरपाई करेगा तब कपड़ा खींच अपना है, इसलिए यहाँ से भी छोटा सा प्लेट डाल दिया है मैंने। उसके बाद देखिए अभी हम कमर पट्टी के ऊपर से एक सिलाई करना है। देखिए स्लिप को हम पहले से आस्तर के साथ जॉइन कर लिया है, तो अभी हम स्लिप को यहाँ से मिलाकर सिलाई करना है। देखिए हमें सेंटर से थोड़ा सा काट कर निशान देकर रखा है। यहाँ से बराबर मिलाकर
साइड से एक सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें दूसरा साइड का स्लीव सिलाई करना है। दूसरा साइड से भी हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए अभी हम युगपति को इस तरह से फूल करके सिलाई करना है। देखिए इस तरीके से हमें फ्रंट साइड में अलग से पट्टी काट नहीं किया है, हमें यू पट्टी को थोड़ा सा बड़ा लाकर काट किया है, इसलिए हम यहाँ से इसको फुल करके सिलाई करना है। और देखिए हमें बैक साइड को हमें अलग से कमर पट्टी सिलाई किया है। उसके बाद हमें यहाँ से इस तरीके से नाप कर देखना है। इसमें जितना तक लेकर सिलाई किया है हम यहाँ से भी उतना तक ही लेकर सिलाई करना है। तो इसके बाद हम यहाँ से इसका फिटिंग नाप लेकर हमें सिलाई कर लेना है। इसको हमें 38 साइज का हैवी साइज के हिसाब से हमें नाप लिया है, पहले जैसे ही नाप लेकर सिलाई करना है। आप देखिए हमें पहले यहाँ से 38 के साइज़ के हिसाब से हमें नॉर्मल मेजरमेंट दिया है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ देखिए हमें काट करने का समय हमें कतरी को बड़ा साइज लाकर हमें काट किया है। आपको ध्यान में रखना है कटिंग जिस तरीके से अच्छे से कटिंग करेगा तो आपका फिनिशिंग भी अच्छे से आएगा। ब्लाउज का फिनिशिंग होना है तो अच्छे से आपको परफेक्ट मेजरमेंट लेकर काट करना है, तभी तो आपका ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग्स आ जाएगा। देखिए यह 38 हेवी साइज ब्लाउज सिलाई पूरा कंप्लीट है। अगर फिर वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, हो सके तो एक शेयर कर देना। अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सबसे पहले मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मुलाकात होगा नई वीडियो के साथ अगला वीडियो में।